become 11. Wine's flowing, a regional love. I blow and never come back home. You wanna say to me what your plans? You come with another reason. You gon' fade. मुझे नहीं लगा था इतना टाइम लगेगा। बस हो ही गया। खूबसूरती को कैद करने में टाइम लगता है। अब मोबाइल से नजर हटाओ और सामने देखो। मुझे लगता है फोटो वीजा के लिए चाहिए, है ना? तो अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दोगी तो कैसा रहेगा? सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तुम लोगों ने अभी तक टेबल्स नहीं लगाए, चलो जल्दी करो। अब तक तो टेबल पर खाना लग जाना चाहिए था। चलो दोस्तों, जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। पार्टी होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी है दोस्तों। तो रेडी? ये गई नहीं, पार्टी वैसे 7 बजे शुरू होने वाली है, पर आप जब चाहे तब आ सकते हैं। हम कितने यंग दिख रहे हैं उस वीडियो में, कितने खुश भी। तुम और एना बहुत प्यारे लग रहे हो। प्रेजेंट ले आई? हाँ, बहुत ढूंढने के बाद मिली है और तब जाके पसंद आई है। इटली के नए कलेक्शन से है तो खुद के लिए लूंगी, ये सोच के पसंद किया। अच्छा है। तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो मैं सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि वर्गो और एरीज को बिल्कुल कंपैटिबल नहीं माना जाता है। खैर, एक्सेप्शंस तो हर जगह ही पाए जाते हैं। अच्छा बताओ, इसके बाद क्या प्लान किया है? हाँ, उनके किस करो चिल्लाने के बाद फेड आउट हो जाएगा, होस्ट स्टेज पे आएंगे, फिर तुम्हें म्यूजिक का ख्याल रखना होगा। नहीं, मुझे गाना वाना नहीं होगा, वो तुम देख लो। जब हम डॉम में सेलिब्रेट करेंगे तब उस क्लिप को प्ले करना। ठीक है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई और काम है? नहीं, बस इतना ही है। थैंक यू। यू वेलकम। यू ऑलवेज वेलकम। हे, शादी मुबारक, हुर्रे! क्या हुआ, कॉफी फिर से गिर गई? ये तो होना ही था। Happy anniversary. Thank you so much. अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो तुम? क्यों, मैं तुम्हें ऐसी अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, जब इसमें इतनी प्यारी लग रही हो तो ड्रेस में तो और खूबसूरत लगोगी तुम। आज कोई ड्रेस नहीं पहनी जाएगी। है ना, हमें हर हाल में 7:15 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंचना ही होगा। मुझे कहीं नहीं जाना है। क्या मतलब कहीं नहीं जाना है? मिस्टर सर्ज और उनकी वाइफ भी आ रही है। व्लाड, ये हमारा खास दिन है, आज का दिन तो हमें साथ बिताना चाहिए। सुनो, अभी हम शैंपेन पियेंगे और अपने उस ब्रिज के पास जाकर देखेंगे कि वहाँ कितने हैप्पी लॉक्स लगाए जा चुके हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? व्लाड, हम 2 से 3 होने वाले हैं। एना, हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी और तय किया था कि लोन चुकाने के बाद ही इसके बारे में सोचेंगे। एना, यहाँ बैठो। ऐसा रिएक्शन, खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कितने हफ्ते हो गए? मेरे हिसाब से 6 हफ्ते हो गए हैं। तो अपने बेटे का नाम क्या सोचा तुमने? लड़का होने वाला है। लगता तो है, पर एक बार चेक कर लेते हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल लड़का ही लगता है। एना, मजाक की भी कोई हद होती है। देखो कितना क्यूट है। ये तुम्हें कहाँ मिला? सड़क पर मिला मुझे। और इसे तुम उठाकर घर लेकर आ गई? हाँ। यहाँ नहीं लाना चाहिए था, इसमें फ्लीज और टेपवर्म्स भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी राय जाननी है तो मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पर रहे। एक बात देखो तो, इसे कितना क्यूट है। क्या कर रही हो, इसे मुझसे दूर रखो। एना, आधे घंटे में रेस्टोरेंट पहुंचना। मुझसे पूछे बिना मेरा डिसीजन क्यों लेते हो? मैं नहीं चाहती कि हमारी एनिवर्सरी एक बिजनेस मीटिंग में बदल जाए। तुम्हें पता भी है मैंने इस पर कितने पैसे खर्च किए हैं? मैंने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है।
उसे तकिए से नीचे उतारो, तुम्हें दिख नहीं रहा है मुझे एलर्जी हो रही है? कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा करो। हाँ मेरा बच्चा। नहीं नहीं, जैसे प्लान किया वैसे ही होगा, आप 7 बजे वहां पहुंच जाइए। हाँ हाँ। मेरी बात सुनो, अगले 10 मिनट में हमें यहां से निकलना है। बीवी कहाँ गायब है? ऐसा क्या हो गया जो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रही है वो? बहुत सेल्फिश है वो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने जो गिफ्ट दिया था उसे पसंद नहीं आया? Come on, lad, दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो। दरअसल एना ही आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। उसने तो मुझसे बात ही करना बंद कर दिया है। तुम तो जानते ही हो, हम सारी फ्रेंड्स किसी कैफे में अक्सर मिलते हैं और वो बस 15 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। मैं उसे बहुत कॉल करती हूँ, वो घंटों फोन नहीं उठाती है। क्या कर सकता है, वो ऐसी ही है अब। मेरा मतलब उसका साइन एरीज है ना, और इस साल उनका इमोशनल स्टेटस अनस्टेबल रहने वाला है। तो समझ रहे हो ना, शायद मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से वो ऐसा कर रही है। मैं भी नहीं जानती, शायद वो अपनी लव लाइफ में बदलाव लाना चाह रही है। सही कहा, स्टॉर्म्स ही है। ब्लैड तुम्हें गाना सुनाई दे रहा है ना, चलो ना डांस करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं स्टेला, मैं डांस नहीं करता, फिलहाल मुझे कहीं और जाना है। किस बात की जल्दी थी तुम्हें? मुझे लगा था मैं निकल जाऊंगा। तुम ठीक हो? सर में दर्द है क्या? ज्यादा दिक्कत हो रही है तो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। नाम क्या है तुम्हारा? सुबह तक मैक्स नाम याद था। अब क्या याददाश्त चली गई तुम्हारी? अच्छा ये बताओ कि तुम कहां से हो? मैं कीव से हूं। देखो ट्रैफिक पुलिस को यहाँ आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हाँ, वो तो है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसे आपस में निपटा लेते हैं। निपटाना क्या है इसमें, गलती मेरी ही है। मैं भी पीकर चला रहा था, मुझे पुलिस की जेब भरनी होगी या फिर तुम्हारी गाड़ी ठीक करने के पैसे भरने होंगे। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तुम्हें पैसे देना ही सही रहेगा। तो तुम क्या चाहते हो, लोग हमारा योगर्ट खरीदना बंद कर दें? तुमने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो बहुत ही बेकार है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझाता हूँ। ये क्या स्लोगन बनाया है, अगर हम खाएंगे यमी यम, यमी यम, यमी यम। देखा मैं खुद भूल गया, ऐसा स्लोगन होना चाहिए जो लोगों की जबान पर चढ़ जाए। मुझे लगता है ये मुझे अब किसी और से डिस्कस करना पड़ेगा।
आप प्लीज अंदर बैठिए, मैं बस एक मिनट में आता हूँ, हम सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मिस्टर सर्ज को बताने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात तुम ऑफिस में सोए थे? और क्या करता, उस बिल्ली के बच्चे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं उसे कहीं और रख दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एंटी एलर्जी पिल्स लाई हूँ, ये लो। मेरी बात समझो, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती। इसलिए तो मुझे घर से निकाल दिया तुमने। आना मुझे माफ करना, लेकिन मेरी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। मुझे भी कहीं जाना है अवलाद। 6 बजे से पहले मुझे सारे पेपर्स, फोटोज और पासपोर्ट्स तैयार करने हैं वीजा के लिए। मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैंने फोटो ही नहीं खिंचवाई है। कोई बात नहीं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। स्टेला, अंदर सब ठीक है ना? अंदर जाओ और उसे समझाओ, वो मिस्टर सर्ज से बात करने वाला है। मुझे हजारों काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। आपके आदमी किसी काम के नहीं है। मिस्टर विक्टर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। फिक्र मत करो, वो बुड्ढा खड़ूस है। और मैं बेकार हूँ? नहीं, तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। चुटकी बजाते ही तुम्हारे दिमाग में नया आइडिया आ जाएगा। उन्हें नया नहीं चाहिए, ये आइडिया उनके प्यारे असिस्टेंट डायरेक्टर का है। तो फिर उनसे थोड़ा और वक्त मांग लो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने आज फोटो नहीं लिया तो हमें वीजाज नहीं मिलेंगे, ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे। फोटोज की पड़ी है तुम्हें, फोटोज क्यों नहीं लिए? तुमने देखा ना कि वो प्रोजेक्ट मेरे हाथों से निकला जा रहा है और तुम्हें बस अपने ट्रिप की पड़ी है। पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ? यहाँ से अगर मुझे निकाल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना कोई ट्रिप होगा, ना कपड़े और ना कोई घर। और तुम्हारे हिसाब से मैं जो भी करता हूँ गलत करता हूँ। रेस्टोरेंट जाना गलत है, तुम्हें महंगी गिफ्ट दूँ तो वो पसंद नहीं है। तुम बस इतना बताओ कि तुम चाहती क्या हो। क्या कभी तुमने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी उन महंगी गिफ्ट्स की कोई चाहत नहीं है। वो गिफ्ट्स तो तुम्हारी जगह श्वेता खरीदती है। हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम्हें पता ही नहीं कि मैं ज्वेलरी नहीं पहनती। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम्हें पता भी है कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे सपने क्या है, मेरी चाहत क्या है, क्या करना पसंद है मुझे। कभी तो मेरे लिए कुछ करो, बस एक बार। तो तुम्हें क्या लगता है आखिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तो तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए और क्या करूँ? चांद तारे तोड़ लाऊं, उल्टे सीधे करतब करूं, तुम्हारे लिए नाचूं, गाऊं, क्या करूं? हाँ, अगर मन करे तो गाओ। हमने आखिरी बार एक साथ कब डांस किया था याद है? नहीं यार। आखिरी बार कब कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? बस अपने जॉब और बॉस में ही दिलचस्पी है तुम्हें, मुझ में नहीं। तुम्हें किसी इंसान नहीं, रोबोट के साथ रहना चाहिए। और तुम्हें एक जोकर चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए व्लैड। हम तो हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे लगा था कि शायद हमें जाना चाहिए। ये रहा कंबल और तकिया, तुमने मांगा था? बाहर एसोसिएट डायरेक्टर गुस्से में इंतजार कर रहे हैं। और कुछ चाहिए व्लैड? प्यार और समझदारी चाहिए, कहीं मिले तो लेकर आना। तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते हो, या फिर तुम्हें सच में स्टेला से प्यार और समझदारी की चाहत है? जो सोचना है सोचो, मैं थक गया हूं। बस बुकलेट और स्टैंड लाने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद तुम वेंसडे तक बिल्कुल फ्री हो, जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें कितनी सारी छुट्टियां मिल गई हैं? उस वक्त ऐसी भी छुट्टियां होंगी। कौन सी छुट्टियां हैं फिलिप? तो समर वाली। ठीक है, तो उन्हें यूक्रेन में सेलिब्रेट करो। जाओ जाओ। सुना तुमने, बहुत चालू है, अब मुझे छुट्टियों में भी काम करना पड़ेगा। मैडम नेटली, उन्हें जो चाहिए था उसे ध्यान में रखकर ही मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। होप कि कल तुम प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से तैयार रहोगे और कुछ नए और प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स भी लेकर आओगे वहां से। वामा, तुम भी जानते हो क्या होगा। इसे डस्टबिन में फेंक दो। पर इसे तो साइन करना है ना।
सबका दिमाग ही फिर गया है, पता नहीं क्या हो गया है। एना भी कितना अजीब बिहेव कर रही है। नहीं, तुम्हें केट याद है? केट, पता है जब उसे किसी और से प्यार हुआ था तो ऐसे ही बिहेव करती थी। नहीं, एना वैसी नहीं है, पर मुझे केट की याद आई इसलिए कहा। क्या तुम लंच के लिए जा रहे हो? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, फोटो खिंचवाने जा रहा हूँ। तो तुम छुट्टियों पर नहीं जाना चाहती हो? इस वेकेशन के लिए ही नए साल के दौरान तुमने पूरे पूरे हफ्ते काम किया था। बैठ जाओ। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बाद में कभी जाऊंगी, समर में शायद। जैसा तुम चाहो। मैडम नेथली, क्या मैं कीव जा सकती हूँ फिलिप की जगह? नहीं, क्योंकि मैं उसे कार से भेज रही हूँ, बुकलेट और स्टैंड के साथ। कीव से हाल ही में परमिशन मिली। छुट्टियों का समय है तो टिकट्स अवेलेबल नहीं है। ट्रेन और प्लेन किसी में भी अवेलेबल नहीं है। उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। 10 घंटे की ड्राइव है। कम ऑन एना, कुछ भी मत बोलो प्लीज। मैडम नेथली, मुझे वहां जाने दीजिए। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। थैंक यू। नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, बुरा है, बहुत बुरा। ओके, मैं कल फिर आती हूँ नए मेकअप और हेयर स्टाइल के साथ। नया चेहरा कहाँ से लाओगी? क्या? सुनिए, उसकी बातों का बुरा मत मानिए, उसे ठीक से फोटो खींचना नहीं आता। आइए, मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं? 4 फोटोज लिए थे मैंने उसके। तो क्या हुआ? हेलो, कैसे हो तुम? हेलो, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं यहाँ अपनी फोटो खिंचवाने आया हूँ। मैं कीव जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ। 5 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप है। पड़ोस वाली आंटी उस बिल्ली के बच्चे को लेकर जाएंगी। मुझे कॉल मत करना, मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी, लेकिन मैं पक्का वहां से तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊंगी। ठीक है, अच्छे से रहना। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। तुम बैठ सकते हो। तुम कीव से हो ना? हाँ बिल्कुल। तुम 1 हफ्ते के लिए अपने घर जाना चाहोगे? सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। मगर क्यों? दरअसल मेरी वाइफ जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे फॉलो करो। तुम्हें उसके फोटो खींचकर मुझे भेजना होगा। ये काम एक प्राइवेट डिटेक्टिव अच्छे से कर सकता है। पर मेरे पास एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। पैसा है मेरे पास, बस टाइम नहीं है। ये लो एडवांस। और क्या ये तुम्हारी वाइफ है? हाँ। मुझे नहीं लगता ये तुम्हें धोखा दे सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी आंखों में मैं सच्चाई देख पा रहा हूं। तुम बस अपना काम करो। ठीक है फिर। मगर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरा कैमरा टूट गया है। उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। चलता हूं।
हेलो हेलो, क्या कर रहे हो तुम? ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे पर नेटवर्क नहीं था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसे बंद करो। ओ, अब ठीक है। ये बताओ सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया है, पीछा कर रहा हूँ। गुड, पीछा करते रहो, वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। हाँ जरूर, मैं तुम्हें पिक्चर्स भेजता हूँ और कल से जैसे कहा है वैसे ही करूंगा, पूरी रिपोर्ट दूंगा। चलो बाय। एक मिनट रुको, ये बताओ कौन सा म्यूजिक सुन रहे थे? रॉक, वो तो बहुत ही कूल है। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट्स भेजते रहना। अंदर कहाँ आ रहे हो? तेरी तो आजा 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 आजा। अगर तूने यहाँ गंदगी फैलाई तो देखना मैं क्या करूंगा। कहाँ छिपाए तू? क्या नाम रखा है तेरा? मैक्स मैक्स मैक्स। अच्छा ठीक है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत ही टेस्टी है, टेस्ट करना चाहोगे? अश, तुम्हें ये चाहिए ना, बहुत ही टेस्टी है ये। ये लो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें तेरहवीं मंजिल से बाहर फेंक दूंगा। मैक्स चल, चूजे पहले उधार चुका फिर आना। चल, वो थोड़ा ड्राइव करती है और फिर मिलते हैं, उतर जाती है। मेरा वेट करना। वो ड्राइव करती है और कार रोककर फिर बाहर चलने लगती है, फिर हम अपनी अपनी कार्स में बैठकर वो मुश्किल से 10 फीट चलाती है और फिर रुक जाती है। उसके होटल तक जब मैंने फॉलो किया तब जाकर मेरे पैरों को आराम मिला, और सोचो उसने हील पहन रखे थे। मेरा यकीन है वो रोमांटिक है। सच में तुम बहुत लकी हो मेरे दोस्त, महंगा कपड़ा, आईफोन, तो उसका कोई आशिक है या नहीं? अब तक मुझे भी नहीं पता चल पाया है। क्या यही है? हाँ। क्या काम मिला तुम्हें? मुझे तो तुमसे बहुत जलन हो रही है। देखो कैसा रहेगा अगर मैं उस पर चांस मारूं तो, इसी बहाने तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हर जगह मुंह मारना अच्छा लगता है तुम्हें? कम ऑन, मैं तो तुम्हें आसान तरीका बता रहा हूँ। कहाँ इसके पीछे पूरे शहर में घूमते फिरोगे? तुम जहाँ बोलोगे मैं उसे वहाँ मिलूंगा, तुम उसकी फोटो वहाँ पे खींच लेना, समझे फट्टू? मैं फट्टू नहीं हूँ, वो बस तुम्हारे पहुँच के बाहर है। ठीक है चलो, फिर इस पर भी बैट लगाते हैं। अगर उसे किस करते हुए तुम मेरी फोटो ले लेते हो तो फिर मुझे बियर की एक क्रेट तुम दोगे, और अगर बात इससे भी आगे गई तो 3 क्रेट बियर। एक काम करो, भाड़ में जाओ, तुम मुझे पुराने नंबर पर कॉल कर सकते हो, वो नंबर चालू कर दिया है मैंने। ये बहुत बड़ा मौका है मैक्स, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे एनिमल शेल्टर में भेजूंगा। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह लिटिल बॉक्स में टॉयलेट करना होगा, ठीक है? आप जा रही हैं? हाँ, मदद करने के लिए थैंक्स, आपकी वजह से प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाई। आप रास्ता भटक तो नहीं जाएंगी? मैं होटल तक आपके साथ चलता हूँ। नो नो थैंक्स, मैं फॉलो कर लूंगी। रात का क्या प्लान है?
क्या आप कीव के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी? आज रात नहीं, गुड बाय। हम अभी जहाँ है वो कीव की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक है। इसका नाम है गोल्डन पार्क। मैं चाहूंगी आप इस ब्रॉन्ज के पुतले की ओर ध्यान दें। ये पुतला गैब्रियल द कैट का है। अब मैं आप सबको इस कैट की कहानी सुनाती हूँ। ये ग्रे पर्शियन कैट यहाँ का एक लोकल रेस्टोरेंट के ग्राहकों की पसंदीदा कैट थी। एक रात उस रेस्टोरेंट में आग लग गई और मासूम गैब्रियल उस आग में झुलस गई। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये ब्रॉन्ज की कैट सबके विश पूरी करती है। आप सबके पास एक सुनहरा मौका है अपनी विश पूरी करने का। अब आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए। ये स्टैचू है यूरोस्लाव द वाइज की। इस स्टैचू को एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर इवाना कैवलरिट्जी की मॉडल से बनाया गया है। हमारे शहर के मेहमानों और निवासियों को सूचित किया जाता है कि एक मिनट में इकोलॉजिकली इको फ्रेंडली यातायात का ये साधन हमारे शहर की खूबसूरत सड़कों से गुजरने वाला है। आपने यहाँ रुककर बहुत अच्छा किया मैम। आप देखना कुछ ही सालों में इन पेंटिंग्स की कीमत मिलियंस में हो जाएगी। कितने मिलियंस की है? मैंने कहा ना, कुछ ही सालों में इनकी कीमत मिलियंस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हें मेरे डॉग ने पेंट किया है। आप सच कह रहे हैं ये सारी पेंटिंग्स आपके डॉग ने बनाई है और आप इन्हें बेच भी रहे हैं? तो आप चाहती है इसकी जगह मैं पेंट करूं? इसकी शुरुआती पेंटिंग बहुत कमाल की है, आप उनमें से पसंद कर लीजिए। अगर आपकी मर्जी हो तो वैन सेंट आपकी खूबसूरत पोर्ट्रेट भी बना सकता है। नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, आपके लिए। ओह, थैंक यू। इसे हमारा प्रोमो ऑफर समझिए। देखिए, मैं आपसे ये पेंटिंग खरीद रही हूँ पर आपको उस कैमरा वाले लड़के का ध्यान भटकाना होगा। कौन? वो लड़का? इसकी जरूरत नहीं है। जरा रुको लड़के, मुझे पूछे बिना तुम मेरी पेंटिंग्स की फोटो क्यों खींच रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा तुम फोटो खींच रहे थे, मेरे कलीग्स ने भी देखा, इसलिए उन फोटोज को अभी डिलीट करो या मुझे उसके पैसे। देख सकते हैं हर फोटो के। देखिए, मैंने एक भी फोटो नहीं ली है। देखिए, हाँ ठीक है, माफ कर देना, उम्र हो गई है। बात नहीं है।
गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। देखिए बाहर बेंच पर एक लड़का बैठा होगा, वो पूरा दिन आज मेरा पीछा करता रहा। मैं समझ गया हूँ, अभी पता करता हूँ। थैंक यू। जरा सुनो। हाँ। हमारी एक गेस्ट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, उनका मानना है कि तुम उनका पीछा कर रहे हो। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उन्हें क्यों लग रहा है? तो फिर ये क्या है, ये फोटो और ये क्या है ये सब? हाँ, मैं तो बस यूँ ही उसकी फोटो ले रहा था, वो बहुत क्यूट है। अब से तुम उनकी फोटोज नहीं खींचोगे, उनके आस पास भी मत भटकना, समझ गए? समझ गए हो तो निकलो यहाँ से। आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है मैडम। थैंक यू, पर वो चाहता क्या था? देखिए मुझे तो वो कोई घटिया इंसान नहीं लगा। स्प्रिंग है, वो फोटोग्राफर है, रोमांटिक टाइप, आपकी खूबसूरती का दीवाना हो गया होगा इसलिए फोटोज ले रहा था। आप फिक्र मत कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ। हेलो। तुम घर नहीं गई? नहीं, तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। हो गया, आप कितना काम करोगे? हाँ सही कहा। खुद को देखो तो जरा, लाल आंखें, थका हुआ चेहरा, रुक भी जाओ। सही कह रही हो। मैं एक अच्छी खबर लेके आई हूँ। बताओ क्या खबर है। कल जब मैं हमारे यम्मी यम को मिस्टर सर्च के ऑफिस ले जा रही थी तो उसी दौरान मैंने उनसे बात की और फोन नंबर लिया, और आज मैं उसे कॉल करने वाली हूँ काम को लेकर। सीधे पॉइंट पे आती हूँ, वो परसों तक इंतजार करने के लिए राजी हो गया है। शुक्र है। स्टेला, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। कम ऑन, मैं तो बस अपना काम ही कर रही हूँ। तुम हर वक्त सब कुछ तो नहीं कर सकते ना? नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अच्छा, तो फिर आज मुझे घर ड्रॉप कर दो। अब मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है और सर भारी हो गया है। ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। ये वाली फोटो क्या बात है। हाँ, एकदम मस्त। हाय लियो, कहाँ है? हाय भाई। हेलो। हे, कैसा चल रहा है सौरभ के साथ? उसने मुझे पकड़ लिया। वाह, काम के पहले दिन ही तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। पकड़े गए क्योंकि वो चारों ओर नजर रखती है, आगे पीछे, दाएं बाएं। अगर मैं साथ होता तो तुम्हारा कस्टमर भी खुश होता और तुम आराम से बियर भी पी रहे होते। अपनी बकवास बंद करो यार तुम। गेम को थोड़ा बदल देते हैं। अगर उसने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया तो एक क्रेट बियर मेरी तरफ से है। अगर बात किससे आगे बढ़ गई तो मेरी बाइक तुम्हारी, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा कैमरा मेरा। तुम और तुम्हारे बेकार के ये बैट्स। सच कहूं तो मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो लाइफ में अकेली है और उसका पति बिल्कुल बेवकूफ है, इसीलिए वो बहुत उदास है। पति पर भी नजर रखोगे क्या? तुम भी जानते हो वो चाहती है कि कोई उसका मन बहलाए। तो फिर क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारे क्लाइंट को भी तसल्ली मिल जाएगी और तुम भी खुश हो जाओगे। और अगर मेरे बाइक पे थोड़े पैसे खर्चोगे तो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। यहाँ मस्ती करने के लिए बहुत सारी जगह है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैक्सिम, कि अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो दूसरों का भी होने दो। पूरे शहर में उसके पीछे चक्कर काट कर थक चुका हूँ मैं, और ऊपर से वो सिक्योरिटी गार्ड। इतना क्यों थक रहे हो? वो मॉस्को वाले आदमी को भूल जाओ। तुम्हें पता है तुम बदल चुके हो, पद से बदतर हो चुके हो तुम। हाँ, काफी टाइम हो गया तुम्हें शहर से बाहर गए हुए। चलो फिर ठीक है, मुझे वापस सेंटर भी जाना है, कल मिलते हैं। अगर वहाँ फंस गए तो? आए हो तो कॉफी पी के जाओ। नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, नींद भी आ रही है। ऑफिस के रफ काउच की जगह मैं तुम्हें सॉफ्ट रिक्लाइनिंग चेयर ऑफर करती हूँ, दोस्त हूँ इतना तो कर सकती हूँ। थैंक यू। राज, मैं घर पर सोऊंगा। आना के साथ सब कुछ ठीक हो गया? आन्या की गई है 5 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे। अच्छा, कल मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू लुक ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन अच्छा रहे। और आपका भी। फाइनेंशियल न्यूज में आपका स्वागत है।
पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट निवेशकों को झटका दे रहा है। लगातार कई दिन की मंदी के बाद क्या बात है, भूख लगी है? शेयर बाजार में तेजी दिखाई है। रुको देता हूँ। निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी के शेयर खरीदने से आपको दुगना मुनाफा होगा और किस कंपनी से आपको बच के रहना है। हमने आपके लिए कुछ ऐसी 10 कंपनियों की सूची तैयार की है जिससे कि आपको निवेश करने में ये लो, खाओ अच्छे से, भरपेट खाना। आपकी मदद करने के लिए शेयर मार्केट के एक्सपर्ट रॉलिन किडमैन हमारे साथ शो में जुड़ चुकी है। आइए पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो हमारे दर्शकों को निवेश करने का क्या सुझाव देती है। रॉलिन, आपका स्वागत है हमारे शो में। Wine's flowing, a regional love, a blowing ever come my home. You wanna say to me your plans, you come with another reason, you gon' fade. ये कितना अच्छा लग रहा है। चाइनीज हॉरोस्कोप की माने तो इस साल ब्राइट कलर्स बहुत ही लकी साबित होंगे, तो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राइट कलर्स। पेंटिंग वसीली मौरी मेरी की ने बनाई है और लेटेस्ट ट्रेंड है ये। परेशान मत होना, मैंने इंटरनेट से ऑर्डर किया है, डिस्काउंट था। कैसा लगा? अच्छा है। सच कहूं तो तुम्हारी ज्वेलरी से ज्यादा चमक है इन पेंटिंग्स में। वैसे तुम अभी 15 मिनट पहले कोई गाना सुन रहे थे ना? हाँ। एक बार फिर से प्ले करना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मुझे लगा तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है। नहीं, कोई और गाना था। यही तो सुन रही थी मैं। सच में? ठीक है, एक मिनट रुको, माइक के और भी कुछ अच्छे गाने हैं। रुको, मैं सबसे अच्छा गाना प्ले करती हूँ। कौन माइक? माइक, तुम उसे नहीं जानते? जानकर खुशी होगी कि वो भी वर्गो है। वर्गो से क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी राशि वर्गो है, तुम्हारी तरह। और वर्गोस का आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, उनकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, खासकर निजी जिंदगी में। तो ये है वो गाना।
मुझे लगता है ये पेंटिंग उल्टी लगी हुई है। रहने दो, मुझे कोई गाना नहीं सुनना। ये लीजिए। थैंक यू। और कोई मदद चाहिए ब्लैड? नहीं थैंक यू। बचपना है बेबी गर्ल। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। SN मुश्किल है, खुद में उलझा है, उसकी भावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो क्या मैं उसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूं? उसकी भावनाएं जगाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके दिल में अपने आप भावनाओं का तूफान उठेगा, लेकिन ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। नहीं नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो 3 दिन में लौटने वाली है, उसके बाद उसे पाना नामुमकिन है। क्या मैं उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा सकती हूँ? उसकी भावनाएं उसके दिल के गहराइयों में दफन हो चुकी है, किसी दूसरी औरत ने उसके दिल में खास जगह बना ली है, ये काम आसान नहीं है। हम्म।
ये रहे उस काम के आधे पैसे, अगले हफ्ते मैं पूरे पैसे दे दूंगी। प्लीज आप इसमें मेरी मदद कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया मिसेस रोज, मैक्स को अपने साथ ही रखूंगा। जैसा आप चाहें। हाय मैक्स। ठीक हो? मुझे मिस कर रहे थे हा? उसकी सारी दबी हुई इच्छाएं और भावनाएं उसके सोती हुई आत्मा के कैद से छूट जाएंगी। उसके दिल के गहरे राज, चाहतें, आकांक्षाएं और झूठ सब सच हो जाएंगे। ये कहाँ से मिला, इंडिया या फिर चाइना? मेरा एक खुफिया एजेंट था, उसी ने ला कर दिया था। ये तो मैं भी नहीं जानती कि कहाँ से लाया था। तुम जिसे पाना चाहती हो उसकी वाइन में इसकी एक गोली डाल देना और तुम अच्छे से तैयार होकर उसके सामने चली जाना और फिर देखना कि वो कैसे पल में तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। जब तक वो होश में आएगा तुम उसे जीत चुकी होगी। मैं जिसे डेट कर रही हूँ उसे भी इसी तरह जीता था, पर शारीरिक संबंध बहुत ही हल्के होते हैं। याद रखो, हमें बहुत ही लंबा सफर तय करना है। हमें उसकी आत्मा, उसके मान और भावनाओं को वश में करना है। इसके लिए तुम मेरा डिस्काउंट कार्ड रख लो। अभी मुझसे 10 मीटिंग वाला पैकेज खरीदोगी तो इस कार्ड की वजह से 10-15% का डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। जो तुम्हारे हाथ में है वो कमाल की चीज है। ऊपर वाले की शक्ति है जिससे हम तुम्हारे जैसे बेसहारों की मदद करते हैं। हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम तुम्हारे दर्द खुद में महसूस करते हैं। सुनो, उसकी वाइन में एक नहीं 2 गोलियां डाल देना। काफी दिनों से ये इस्तेमाल नहीं हुई है ना। वैसे मेरा एक्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हो सकता है 1 से बात ना बने पर 2 से कमाल हो जाएगा। और जब ये गोलियां अपना असर दिखाएगी तुम भी अपना असर दिखाना। याद रखना ये सफर बहुत लंबा है। चलो जल्दी 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 निकलो, हम आज जल्दी बंद करने वाले हैं, सफाई करनी है। चलो अपने घर जाके सो जाओ। सरगे शटर गिरा दो। क्या बात है मैक्स, तुम तो शिकारी निकले दोस्त। अब भी बात है तुम में, नंबर ले लिया उसका। तो जैसा मैंने कहा था, 1 क्रेट बियर दूंगा, अगली बार बाइक ले जाना। मैं कुछ और प्रिंट्स निकाल लूं? हाँ निकाल लो, नो प्रॉब्लम। वैसे ये लड़की तो पटाखा है, जरा देखो तो। मैं भी मैक्स, एंगल थोड़ा ठीक से लिया करो, दिख नहीं रहा है देखो। भाई देखने के लिए पहली नजर ही काफी है, साइज सी लग रहा है। अब ये असली है कि तूने थोड़ा करवाया है? ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग, लाओ फोटोज दे दो। जल्दी करना। मैक्स मैं तैयार हूँ, जल्दी करो ना। भाड़ में जाओ तुम लोग, दिमाग खराब हो गया इसका। स्टेला इतनी रात को यहाँ? मेरा सारा सामान लूट लिया इन्होंने, समझ रहे हो तुम? सब कुछ था मेरे पर्स में, बहुत ही गलत हुआ। आईडिया, चाबियां, पैसे, सब कुछ। बारिश में भीग गई इसलिए यहाँ आ गई मैं। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ आराम करो, तुम्हारे लिए चाय बनाओ। अगर वाइन है तो थोड़ा वाइन पीना चाहूंगी। हाँ है, साफ किए हुए टॉवल्स लेफ्ट में है। व्लैड, वाइन टेबल पर रखिए, मैं आता हूँ। मैंने एना का बाथरूम पहना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? कल धोकर वापस कर दूंगी। जब हम दोनों डॉर्म में थे तो रूममेट्स थे, एक दूसरे के कपड़े पहना करते थे। हाँ ठीक है, पर फिलहाल एक प्रॉब्लम है,
अभी तक काउच डिलीवर नहीं किया गया, इसलिए तुम बेडरूम में सो जाना और मैं हॉल में सो जाऊंगा। वो सब छोड़ो, फिलहाल एक जाम प्यार और दोस्ती के नाम। हाँ जरूर। व्लैड क्या कर रहे हो? टोस्ट मतलब बॉटम्स अप? टेस्ट थोड़ा अजीब है। वैसे डिनर के लिए थैंक्स, बहुत मजा आया मुझे। वैसे तो मैं डिनर नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ था, पेट भर ही नहीं रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। व्लैड तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बहुत नींद आ रही मुझे। ठीक है, गुड नाइट। बेडरूम में नहीं सोऊंगी मैं। सोने के लिए और कोई जगह नहीं है? वही तो कह रही हूँ, मैं अचानक से रात को तुम्हारे घर आ पहुंची और अब मेरी वजह से तुम सो नहीं पाओगे। कल ऑफिस में तुम्हें बहुत सारा काम है, 4 अपॉइंटमेंट, 12 बजे असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग है। नहीं, तुम बहुत थक जाओगे, जाओ तुम सो जाओ अभी। ये तुम क्या कह रही हो? या तो हम साथ में सोएंगे या फिर तुम अकेले। तो फिर ठीक है। Thank you.
तेरी तो शिट यार, सुसु कर दिया, सुसु कर दिया, मेरे बालों पर सुसु कर दिया। गुड मॉर्निंग, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग व्लैड, मैं भूल गई थी कि तुम्हारे घर में कैट है, मैं डर गई थी कि चूहा तो नहीं है। अच्छा दिख जाए एक बार तो तुझे मार दूंगी। ओ, मुझे माफ करना दोस्त। कोई बात नहीं, कितने हुए? 200। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी हैट्स है, देखिए। मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए, ये आप पर बहुत ही जच रही है, अच्छी लग रही है। हमारे पास सभी तरह के हैट्स है। ये देखिए, हमारे पास ये वाली हैट है और ये वाली हैट आपके ड्रेस पे बहुत अच्छी लगेगी। ये वाली देखिए, ये थोड़ी अलग है, अच्छे से फिट होगी, पहनिए। ओ ये वाली तो बहुत ही प्यारी लग रही है, कलर भी खिल रहा है, दे दूं? सेवन नाइन वन सिक्स थ्री थ्री वन फाइव फोर सेवन 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 थ्री। सॉरी गलती से लग गया। ये वाली सबसे कूल है, तो आपको ये वाली दे दूं? अगर आप पक्का ले रहे हो तो दाम भी कम कर दूंगी। ओ, हाँ मैं ये ले रही हूँ, सच में बहुत अच्छी लग रही है। ये लीजिए। और कुछ दिखाओ। नहीं ठीक है। सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, और वैसे भी हमने कल रात ज्यादा पी भी नहीं थी। कपड़ों को ऐसे पहनने की क्या जरूरत है तुम्हें? सॉरी व्लैड, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार। ये बताओ इस वक्त तुम क्या चाहते हो? मैं बस इस सरदर्द से छुटकारा चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हें और कुछ महसूस हो रहा है व्लैड? कुछ अजीब सा? हाँ, तुम्हारे घटिया परफ्यूम की खुशबू। मेरी छोड़ो, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारी दोस्त यहाँ नहीं इसलिए उसके हस्बैंड के पास आई हो तुम। रात को चुपके से उसके बेड पे भी आ गई और अभी भी तुम मेरे साथ सोने के लिए नाटक कर रही हो। सही कह रहा हूँ ना? मेरी बात सुनो, अभी इसी वक्त तुम ऑफिस पहुँचो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से रिजाइन कर दो। अगले दो घंटों में हमें अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है और अब तक किसी के पास कोई ढंग का आइडिया ही नहीं है। हो क्या रहा है मिस्टर स्टीफन? यस मिस्टर सर्ज, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने तुम्हें एक बहुत ही कूल आइडिया दिया था डेवलप करने के लिए, और क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्लाइंट को क्या जवाब देंगे हम? Excuse me. हम तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं, काम जारी रखिए मिस्टर सर्ज। बस अगर मिस्टर स्टीफन चीखना कम कर दे तो
सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन जरा एक मिनट, हो सकता है तुम्हारे पास अपने कुछ प्रपोजल्स हों प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, तो शेयर करो। ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर के पास अपने ब्रेन चाइल्ड को डेवलप करने के आइडियाज हो। व्लैड, तुम बस बात को घुमा रहे हो। तुमने क्या क्रिएटिव इनपुट दिया बताओ मुझे, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है पहले जो आइडिया प्रपोज किया गया था वो कुछ खास नहीं था। तो ठीक है व्लैड, अब तुम हमें बेहतर आइडियाज दो। हाँ जरूर, पहले तो लोगों को टॉर्चर करना बंद कीजिए, और दूसरी बात, वीकेंड पे काम मत करवाइए। कटघरे में क्रिएटिव बातें नहीं होती। पार्टी के बहाने हम सबको इस शहर से बाहर ले जाइए, उससे भी बात बन जाएगी। मुझे यकीन है कि पार्टी के बाद हमारी पहली मीटिंग में सब अच्छा महसूस करेंगे और सबके पास एक अच्छा आइडिया होगा। सोच रहा हो तुम खुद को समझते क्या हो? व्लैड, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? नहीं जानता क्या कह रहा हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद भी कम से कम कुछ कह तो पा रहा हूं। आई एम सॉरी। आप कुछ तो बोलिए। जाने दो, यहाँ कोई किसी की चिट्ठी नहीं पहुंचाता, समझ गए तुम? तुम्हारी कार का नंबर नोट कर लिया गया है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ फिर से देख लिया तो सच में बहुत पछताओगे तुम। और हाँ, ध्यान से सुनो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगली बार समझाऊंगा नहीं तुम्हें। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बकवास करने की? अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे तुम? हाँ, हेलो, कैसे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन सर आज का दिन ही खराब है। अच्छा, आज तुमने अपनी आवाज उठाई, हो सकता है कि तुमने गुस्से में ही कहा होगा। ऐसा नहीं है, मैंने जो कहा वो सच होगा। मैं काफी दिनों से एक चिंगारी की तलाश में था, इंतजार कर रहा था कि तुम में से कोई तो खड़ा हो। सेकंड इन कमांड पोजीशन के लिए कोई चाहिए मुझे, बता सकते हो आज दिन कौन सा है? एनीवे, तुम मंडे से ज्वाइन कर लेना। मीटिंग में इस तरह से सबके सामने अपनी बात रखना सही नहीं था, पर ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट को एक हफ्ते के लिए तंग नहीं करूँगा। पर उसके बाद जब हम मिलेंगे, तुम अपने नए आइडियाज़ और डेवलपमेंट्स शेयर करोगे, तो तय रहा, मिलता हूँ। जिस पर भरोसा हो उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत अच्छी बात होती है। तुम्हारे नाम वाला इंसान गायब है। ठीक है, लोगों को सरप्राइज करते हैं, लेकिन तुम पड़ोस वाली आंटी के पास रहोगे, उनको परेशान मत करना, ठीक है? Say, 'cause I'm alive.
जो लोग सफर नहीं कर रहे हैं वो ट्रेन से उतर जाएं प्लीज। फिक्र मत कीजिए, मैं ट्रेन मास्टर को इनकी खबर नहीं दूंगी। अगर इन्होंने किसी को भी परेशान किया तो इन्हें मैं ट्रेन से उतार दूंगी। औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मुझे तो अच्छा लग रहा है। एक टाइम था जब स्टेट कैबिन्स में सिर्फ रिस्पेक्टेबल लोग ही सफर करते थे। मैक्स, लियो बोल रहा हूँ, कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? अरे वो तुम्हारी मॉस्को वाली पटाका अभी मेरे कैफे के पास से गुजरी, तुम कहाँ हो? सुनो लियो, कल रात मैं तुमसे हार गया था तो तुम तो पक्का बेवकूफ हो। बैट तो बैट होती है। तुमसे कोई बैट नहीं लगाई थी लियो, उसे बस 5 मिनट के लिए इंटरनेट कैफे के पास रोक कर रखो। बैट नहीं लगाई? कल बियर किसने पिलाई थी, भूल गए? मैं बियर के पैसे दे दूंगा, दोस्त के साथ ऐसे मत करो लियो। अच्छा तो तुमने कोई बैट नहीं लगाई, ठीक है। हे मैम, एक मिनट रुकिए, क्या मैं आपका नाम गेस कर सकता हूँ? जरूरत नहीं है। आपका नाम आना है ना? मुझे अकेला छोड़ दो। और आप मॉस्को से हैं और आपकी शादी भी हो चुकी है। इस शहर में बहुत सारे हैंडसम फोटोग्राफर्स हैं, है ना? है ना? तुम ये सब कैसे जानते हो? आना, मेरा मुंह बंद रखने की कीमत देनी होगी तुम्हें। लियो, आना, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? लियो, क्या मैं तुमसे एक सेकेंड बात कर सकता हूँ? तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो फोन चाहिए था। एक काम करो, आईफोन और ये कैमरा मुझे दे दो, बाइक तो मैं खरीद लूंगा। मेरा वो फोन चोरी हो गया और कुछ नहीं है। और कल के बियर के पैसे भी वापस करो। И больше не уснуть, бояться тебя обидеть, быть с тобой и видеть грусть покинуть навсегда твой дом. Я стану. Excuse me, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको लगता है एक रात में पूरा गाना बनाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता। और ये वाला गाना साइमन ने आज ही कॉन्सर्ट के ठीक आधे घंटे पहले ही बनाया था। दरअसल वो मेरा क्लासमेट था, उसने तुम्हारी फोटोज देख ली थी। पर उसे कैसे पता चला कि मेरा घर मॉस्को में है? मॉस्को के नंबर प्लेट से। मेरे पति के बारे में? अरे वाह, बहुत अच्छे। राइट हैंड से स्ट्रिंग्स को धीरे से स्ट्रोक करो, ऐसा हाथ को रिलैक्स करो जैसे अपनी माशुका के बालों पर हाथ घुमा रहे हो। सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं ना? और वाइन पियोगे? थैंक यू वेरी मच। एना, मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूं, पर आज मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं।
बहुत खूबसूरत है। हाँ। इस सीजन में सोचा था समंदर किनारे जाऊंगी, पर कीव आ गई। वैसे ये जगह भी बुरी नहीं है। बहुत प्यारी जगह है। बहुत सालों से समंदर के किनारे नहीं गई, कभी पैसे नहीं होते तो कभी टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, इस समर हम पेरिस चलेंगे। या फिर कल ही चल सकते हैं। कल ही चलें? माफ करना, पर तुम्हारा नाम क्या है? मैक्स। मैक्स? तुम मैक्स कैसे हो सकते हो? ये कोई शहर नहीं है, मेरा नाम मैक्स सनी है। अच्छा, तो मैक्स सनी, MS। आखिरकार इसका क्या मतलब है SN? उस दिन भी मैं समझ नहीं पाया था। Seriously, never mind। कोई और मतलब है ना? Scarlet Nose, सलामी नोवो मोस्कोवकाया। SN के बहुत मतलब हो सकते हैं। उस दिन का क्या मतलब था? मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। आज मौका मिला है तुमसे पूछने का। उस दिन एसन का मतलब था स्लीप नाउ। अगर तुम्हारा मन हो तो आज रात तुम्हें पूरा शहर दिखा दूं। देखना चाहती हो तो फिर चलो मेरे साथ। ले चलो अपने साथ। उठ जाओ, स्टेशन आने वाला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम पहुंचने वाले हैं क्या? अच्छा लिखा है तुमने। हाँ, आपके दिए हुए म्यूजिक पे अच्छा बैठ गया वो। सच में? अगली बार मिले तो सुनाना। चलो बाय। थैंक यू वेरी मच। हे, गिटार छूट गया आपका। ये अब तुम्हारा है, इसे तुम बजाओ। हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुम कॉर्ड्स भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, अब कभी नहीं भूलूंगा। सुनो, ये गिटार मैं आपसे खरीद ही लेता हूँ। कुछ चीजें खरीदी नहीं जाती, समझे? चलो बाय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को हाय कहना। गुड मॉर्निंग। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैं उठा लूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लड़की किस कमरे में ठहरी है? माफ कीजिए सर, गेस्ट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। समझ गया मैं। अब रूम 41। वो कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकल गई थी। हमेशा सुबह निकल जाती है 9 बजे से पहले, और हमेशा रात को वापस आती है, वो भी अकेली। कल सुबह एक आदमी उसे यहाँ ढूंढने आया था। मैंने उसे कई बार उसके कैमरा के साथ देखा है। पर्पल रंग की गाड़ी थी क्या? हाँ, वही था। ठीक है, वो है कि निकल गई? आज तो मैंने उसे नहीं देखा, शायद किसी टूर पे गई हो। आप रिसेप्शन से पता कर सकते हैं। वो आदमी भी नहीं दिखा। अच्छा ठीक है। वैसे जब वो वापस आए तो उसे बताना मत कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। सभी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। यहाँ चले? तुम ले चलोगे मुझे? तुम्हारा सपना सच करूंगा मैं। अगर आप जाना चाहते हो तो मुझे जल्दी बता दीजिए, टिकट्स बुक करने होंगे। और आपके पासपोर्ट्स? मेरा तो कार में है। मेरा होटल में है, पर वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। ये तो अच्छी बात है। तो देर किस बात की? मैं अभी आई, तब तक मैं इनसे डिटेल्स ले लेती हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मुझे माफ कर दो। व्लाद, मुझे पता नहीं था कि काम के चक्कर में मैं क्या खो रहा हूँ, पर मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि हम दोनों साथ में हमेशा खुशी से रह सके। मैंने तुम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा तुमसे ये कहना भूल जाता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। व्लाद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं यहाँ तुम्हें सुनने के लिए आया हूँ। बैठो ना, आ जाओ, बैठो बैठो। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, तुम्हें बहुत खुशी होगी। मैंने मैक्स के साथ रहना सीख लिया है, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। एलर्जीज के लिए मैंने डॉक्टर से मिलकर दवाइयाँ ले ली हैं। फिलहाल वो हमारे पड़ोसी का दिल बहला रहा है ताकि हम कुछ दिन यहाँ रहें या फिर मॉस्को चले जाएं। वो तुम चूज करोगी, ठीक है? ये लो, ये तुम्हारे लिए। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज। मैं एक बार उसे देख कर आता हूँ। ओके, ठीक है। व्लाद, प्लीज हंसना मत, मैं फिलहाल इसमें बहुत ही बुरा हूँ। कुछ बोलो ना, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? ऐसे चुप हो क्यों बैठी, पर आंखों से हाले दिल तुम बयां, करोगी तो मेरी जान, यही तो प्यार है मेरे दिल की जो हालत है, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, ये है। ओ मेरी जान, समझो मुझे और मेरे प्यार को। सब ठीक है ना? व्लाद, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। समझ रहे हो? जितना तुम मुझे 5 साल में नहीं जान पाए, उसने 3 दिन में जान लिया और हम एक जैसे ही हैं। कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगी, उसे हम दोनों के बीच लाने की कोई जरूरत नहीं। बिना बताए सब जान लेता है वो। हम हमेशा एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहे और हम गलत थे, प्यार में बदलते नहीं, समझते हैं। मुझे बस इतना बताओ कि वो कौन है। उसके बारे में जानकर क्या कर लोगे? तुम उससे ज्यादा अच्छे हो, उससे ज्यादा स्मार्ट हो, सक्सेसफुल हो, पर उसका प्यार मुझे बांध कर नहीं रखता। वो मुझे बदलने की कोशिश नहीं करता, ना तो मुझे बेहतर बनाने की सोचता है। मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद करता है, और मुझे लगता है कि मैं भी उसे जानती हूँ। एना, मैं हूँ। एना, सब ठीक तो है ना? वहाँ का काम हो ही गया है, बस तुम्हारा ही। अच्छा, तो वो कोई और नहीं, तुम हो। बहुत अच्छा काम किया तुमने। एक काम करो, उन फोटोज को किसी मैगजीन में छपवा दो। और उस कैमरे को अपनी फीस समझ कर रख लेना। मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, सोचा था कल ट्रेन में सब कुछ बता दूंगा। अगर मैंने तुम्हें शुरुआत में सब बता दिया होता तो शायद तुम मुझसे कभी बात नहीं करती।
तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए नहीं बताया। उसे शक था कि तुम उसे धोखा दे रही हो, इसलिए उसने मुझे हायर किया और तुम पर नजर रखने के लिए कहा। तुम्हारे पिक्चर्स खींचकर उसे भेजता था मैं। वो मुझे दिन में बहुत बार कॉल करता था और तुम्हारे बारे में पूछता था। एना, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। Обледеневший пальцы касается сердца в твоей груди. Я снова в сон улетаю между ладами. Меня веди. Стоим на краешке света. Стейшн, чалоге? Влад! Прыжок для двоих. Влад! Руко! Чало. Здесь жизнь одна на двоих. Между землей и небом, цепляясь за ветер, одной рукой. Я прижимаюсь все ближе, ведь жизни быть может на миг с тобой. Между землей и небом, на кончиках пальцев застыла жизнь. Стоим на краешке света, держи меня крепче, держи, держи, держи. Обледеневшие пальцы касаются сердца в твоей груди. Я снова в сон улетаю между адом и раем. Меня веди. Стоим на краешке света в предвкушении где-то. Слепой прыжок для двоих. Ведь ты мой островок света. Просто помни об этом. Здесь жизнь одна на двоих. Между землей и небом на кончиках пальцев застыла жизнь. Стоим на краешке света, держи меня крепче, держи, держи, держи. Влад, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुमने जो भी लिखा है बहुत ही कमाल का है। चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो मुझे। एक अच्छे प्रोड्यूसर और ऑथर की तारीफ तो बनती है। मैं ऑथर कैसे बन सकता हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये सिर्फ एक हॉबी है। कुछ दिनों के लिए तुम लोगों के साथ वक्त बिताऊंगा, फिर वापस अपनी जगह। व्लाद, एडवर्टाइजिंग तुम्हें अंदर से खा रही है। तुम्हें ये फुल टाइम करना चाहिए। तुम बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हो। शायद फुल टाइम कर भी लूं। कब? रिटायरमेंट के बाद। तो बुढ़ापे में किसके बारे में लिखोगे? कम पेंशन में बची हुई जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, इसके बारे में लिखना। वेरी फनी। चलो अब थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। व्लाद, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ पूछना चाहता था। तुमने जो लिखा है उसमें कहीं किसी तरह की कन्फेशन या पछतावे की झलक है। सवाल क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। सच कहूं तो उसके बारे में अब बात करके कोई फायदा नहीं, वो सब बीती बातें हैं। हम आज मॉस्को के एक छोटे से फोटो स्टूडियो में हैं। ये वही स्टूडियो है जहाँ से मैक्स सनी, जो एक जवान और प्रतिभाशाली फोटोग्राफर है, मेनस्ट्रीम आर्ट की दुनिया में कदम रखा था। कल उनकी एक पर्सनल पिक्चर शो का प्रदर्शन किया जाएगा हाउस ऑफ आर्टिस्ट में। हमारे शो में आपका स्वागत है मैक्स। मैं आपकी फोटोग्राफ्स और काम से बहुत प्रभावित हुई हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि इतनी सुंदर और आकर्षक काम के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है? फोटो आइडेंटिफिकेशन। हमें ये नहीं सुनना था। मुझे आपकी बहुत सारी फोटोज में एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बताइए। ये बताइए कौन है ये? ये वो है जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। देखो। तो रेडी? ये गई। बधाइयो। कंग्रेट। बधाइयो। कंग्रेचुलेशन।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? व्लाद। मेरे दिल ने मुझसे कहा तुम यही मिलोगी। तुमने मेरा नाम बिल्कुल सही गैस किया। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ बातें गैस करता हूँ। तुम्हें पीच बाथ फोम बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना कि एक बार में तुम आधी बॉटल ख़त्म कर देती हो। और तुम्हें बच्चों के बबल गम फ्लेवर वाले टूथपेस्ट बहुत पसंद है। तुम्हें बेड पर लेटकर दिन भर टीवी देखना भी बहुत पसंद है। बहुत सारी कुकीज़ और पोटैटो चिप्स के बीच में पड़े रहकर टीवी देखना भी बहुत पसंद है। ये सब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बचपन में डांसर बनना तुम्हारा सपना था, फिर तुम पेंटर और फिर पुलिस बनना चाहती थी। तुम्हें म्यूज़िक बहुत पसंद है और तुम्हें डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कुछ तो सही गेस किया होगा ना? सब कुछ। I'm sorry, Vlad. Please, Vlad, मुझे माफ कर दो. Sorry. मैंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। अब मैं किचन में कॉफी करने नहीं देती हूँ। फिर से मेरी वाइफ बनना चाहोगी? जरूर। Держи меня крепче, держи.